उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद के थाना क्षेत्र नगला सिंगी के गांव बड़ा कुर्रा में अचानक बम्बा में ओवरफ्लो पानी आने से ग्रामीणों में मची अफरा तफरी। साथ ही आपको बता दें, किसानों द्वारा सिंचाई विभाग के ठेकेदारों पर पैसे लेने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जब किसानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जहां तक पानी की निकासी है वहां तक पानी निकलना चाहिए, नहीं तो हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि बम्बा का पानी बंद हो जिससे किसानों की खड़ी फसल जलमग्न होने से बच जाए। तकरीबन 10 से 15 बीघा सरसों की फसल नष्ट हो गई। अब देखना यह है कि प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करता है। देखिए टुंडला से गुलाब सिंह की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। क्या नाम है आपका? अमान सिंह। गांव कौन सा है? गांव बड़ा कुर्रा। अच्छा, थाना कौन सा है? नंगला सिंगी। जिला कौन सा है? फरियाबाद। आप लोगों की क्या समस्या है? ये समस्या है कि ये ठेकेदार और ये कुछ लोगों ने पैसे देते हुए बीच में जगह नहीं साफ करी है। बीच में जगह साफ नहीं है, बीच में थोड़ी सी 200 मीटर पे कम से कम 5 फुट गहराई है। इधर कहीं भी सूखा पानी लगाया है और आगे सूखा पानी लगाया है, इसलिए नहर आने से नुकसान हो रहा है हम लोगों का। अच्छा, पैसे किस चीज को लेकर दिए गए हैं और क्या क्या कारण है? कारण ये है कि मतलब ये कुछ बड़े बड़े लोग हैं, उनसे मिले हुए हैं, तो उन्हें जो गरीब आदमी और जो वैसे आदमी है जिनको ना जानकारी होती है, उनके द्वार पे तो बहुत गहराई करवा दी है और बीच में कहीं सफाई नहीं है, एक कांटा भी नहीं उठाया बीच में। अच्छा, सिंचाई संबंधित में आप क्या सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे? ये कह रहे साहब, यहाँ से और नंगला कदम तक बम्बा खोदना चाहिए, नहीं हमारा बहुत बड़ा नुकसान है और हम लोगों को कहीं भी रास्ता नहीं, कोई नहीं है। बम्बा बंद कर दो, इसकी नहर चालू है तो